So this is the second chapter named Biological Classification, and I am Ishwar Iswas, biology lecturer. I am in school. Okay, so start with them. ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखो सेकंड चैप्टर है. पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे. पहले चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हमने जाना कि लिविंग क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, और कितने तरह के वो हो सकते हैं. और हमने ये भी जाना कि उनको स्टडी करने के लिए कुछ रूल्स लॉज बनाए गए हैं, जो कि हमने पढ़े थे टैक्सोनॉमी के अंदर. हमने अलग अलग एड्स भी पढ़े, टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है. अच्छा, अब इस अर्थ पर कितने तरह के जीव हैं, कितने किंगडम्स हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे चैप्टर सेकंड में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर को. ठीक है, और सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. Why do we need classification? कौन बताएगा मुझे, बताइए हमें classification की जरूरत क्यों पड़ती है, बताओ बच्चों. To make, सही बोल रहे हो आप. आगे बताओ क्या बोल रहे थे. study easier. हाँ जी, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए. ठीक है ना बच्चों. तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में. ठीक है ना. मैंने ये सब चीजें आपको चैप्टर वन में बता दी थी जब मैं आपको टैक्सोनॉमी के टाइप्स बता रहा था, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी. जब मैं आपके सामने ये सब डिस्कस कर रहा था उसी दौरान हमने ये सब पढ़ लिया था. फिलहाल ये बात मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने का ग्रुप्स में, क्या चीज देखते हुए, उनकी सिमिलैरिटी को देखते हुए और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए. देखिए अगर कुछ जीव हैं जो कि सिमिलर हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो उनकी हम एक कैटेगरी बनाएंगे उन जीवों से अलग जो उनसे अलग दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान चलो मैंने लियोपर्ड ले लिया, ठीक है, डॉग ले लिया, ठीक है, और फॉक्स ले ली, ठीक है, और टाइगर ले लिया, लॉयन ले लिया और वॉल्फ ले लिया, तो आप खुद देखेंगे कि जो अपर थ्री जीव हैं, जो मैंने अपर थ्री लिविंग बींग्स लिए हैं, लियोपर्ड, टाइगर एंड लॉयन, ये आपस में काफी हद तक मैच करते हैं. इसीलिए हम इन अपर वालों को अलग कैटेगरी में रखेंगे. इन अपर वालों को कहाँ रखेंगे, हम किसी अलग कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है ना, अलग कैटेगरी में, किसी अलग कैटेगरी में. और नीचे वालों को अलग कैटेगरी में, क्योंकि नीचे वाले के जो आपस में कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं. बताओ करते हैं नहीं करते, क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते, पहले तो ये बताओ. यस सर. है ना, तो इसीलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को अपर वालों को किसी कैटेगरी वन में रखेंगे और लोअर वालों को किसी कैटेगरी टू में रखेंगे. ये बात आप सबकी क्लियर हो गई, हो गई ना बच्चों क्लियर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अच्छा, अब इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ये मैंने तो ये पढ़ाया था चैप्टर वन में. चैप्टर वन में मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो हमें कहां देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है हमारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में. जब मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ाई थी, देखो इस तरह से, जिसमें आपने देखा किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, कोई कितना ज्यादा सिमिलर है. कोई जीव अगर बहुत ज्यादा सिमिलर है तो वो बहुत नीचे वाले टैक्सा में प्लेस होगा. देखिए ये है टैक्सोनॉमी का हायरार्की और इसके हर स्टेप को हम टैक्सा बोलते हैं, सॉरी टैक्सोन बोलते हैं. इसके हर स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इसके एवरी स्टेप को हम टैक्सोन बोलेंगे.
ठीक है ना, जैसे कि टैक्सॉन ये हो गया, ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन हो गया, ठीक है। अब कोई बहुत ज्यादा सिमिलर है तो वो उतना ही ज्यादा नीचे मिलेगा। जैसे कि मान के चलो आपके जो टाइगर है और लॉयन है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा नीचे, मतलब जीनस इनका सेम होता है, स्पीसीज इन दोनों की अलग अलग होती है। मैंने बताया था चैप्टर वन में कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या था, पैंथेरा टिगरिस था, ठीक है ना, पैंथेरा टिगरिस, मतलब इसकी स्पीसीज टिगरिस है और इसकी स्पीसीज लियो है, ठीक है ना, मतलब स्पीसीज ही तो अलग अलग है, लेकिन लेकिन आप खुद सोचिए इन दोनों का जो जीनस है वो तो सेम है ना, पैंथेरा। तो इसीलिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो इसीलिए ये इस टैक्सोनॉमी का हायरार्की में बहुत नीचे देखने को मिलेंगे, एक साथ, बहुत नीचे एक साथ, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई सर प्लांट प्लांट ले लूँ, एक मिनट सुनिए बात को, अगर मैं यहाँ पे कोई प्लांट ले लूँ, ठीक है, तो प्लांट और अब मैं लॉयन को लूँ, अगर मैंने कोई भी ट्री और लॉयन को लूँ, तो देखो दोनों तो लिविंग है, तो सीधी सी बात है इस किंगडम में तो कहीं ना कहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, एकदम अलग है, तो इसलिए ये ऊपर मिलेंगे। जैसे कि इसका किंगडम हो जाएगा एनिमल और इसका किंगडम हो जाएगा आपका प्लांटी। हाँ जी, अब पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर लियोपार्ड और जैगुआर की कितने सिमिलर हाँ, ये भी सेम में ही आएंगे, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा बिग कैट्स, देखो इनको हम बोलते हैं बिग कैट्स में आते हैं सब, लियोपार्ड, जैगुआर, टाइगर, लॉयन, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। तो इनको हम एक ही उसमें रखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर हैं तो इनकी हम अलग कैटेगरी बनाएंगे, बिग कैट्स वाली कैटेगरी। वो सब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, तब टाइगर को भी पढ़ेंगे, लॉयन को, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं ना क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी डिटेल्स में ना जाए। समझे बच्चों, अभी बताओ जो मैंने अभी तक ये समझाया, ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो। यस ओके, अब देखो, अब हम ये जानेंगे कि इस अर्थ पे क्या सिस्टम क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम जानेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मींस उन्होंने इस अर्थ पर जितने तरह के जीव देखे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने उसी हिसाब से बताए। जैसे कि सबसे पहले आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस, ठीक है ना, उन्होंने ये बताया कि इस अर्थ पर दो ही तरह के जीव मिलते हैं, दो ही तरह के लिविंग बीइंग्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपका प्लांट और एक मिलेगा एनिमल। ये तो आम बात है, कोई भी अगर पैदा होगा वो यही कहेगा कि इस अर्थ पर दो ही तरह के जीव मुझे दिख रहे हैं, एक तो प्लांट दिख रहे हैं और एक एनिमल दिख रहे हैं, ठीक है, चलो ये कॉमन सी बात थी। अच्छा, इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया था आपके अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है ना। अच्छा, ये साइंटिस्ट ने कब कब दिए वो हम बाद में बताएंगे, कि मैंने स्लाइड में आगे बना रखे हैं वो। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो जो जीव इस अर्नेस्ट हेकल ने बताए थे कि कौन कौन से जीव आएंगे, तो देखो इसमें आएंगे, एक तो आपका प्लांट आएगा, ठीक है, एनिमल आएगा, एंड देन प्रोटिस्टा। अच्छा, इन्होंने प्रोटिस्टा सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेजम्स के लिए बोला था, याद रखना, प्रोटिस्टा जो किंगडम बनाया था इन्होंने सभी यूनिसेलुलर के लिए बनाया था, ठीक है ना, सभी यूनिसेलुलर के लिए इन्होंने क्या बनाया था, प्रोटिस्टा बनाया था। प्लांट और एनिमल तो एज इट इज थे, वो तो सभी को दिख रहे हैं कौन से प्लांट है कौन से एनिमल है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपेलैंड ने, ठीक है ना। अच्छा, और इन्होंने कौन कौन से किंगडम बताए कि इस अर्थ पर कितने किंगडम हैं, तो इन्होंने बताए कि सबसे पहले इन्होंने बताया प्रोटिस्टा, एंड देन इन्होंने बताया मोनेरा, एंड देन इन्होंने बताया कि प्लांट, और फिर इन्होंने बताया कि एनिमल। अच्छा, प्लांट और एनिमल तो सभी को दिख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कौन सा और किंगडम एक्स्ट्रा ऐड किया, मोनेरा। अब मोनेरा इन्होंने ऐड किया, ठीक है ना। अच्छा, मोनेरा क्या है, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे मोनेरा के अंदर, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है जो अभी तक वैलिड, सबसे ज्यादा जो वैलिड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है
आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये आपने नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा। अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तीन क्राइटेरिया के ऊपर बेस था, याद रखना, तीन क्राइटेरिया के ऊपर बेस था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखते हुए ये क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसमें एक तो देखी गई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है ना, और देखा गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, किसी की बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद देखा गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड यू ऑल नो व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है इसका लेवल क्या है, मतलब कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इसके अंदर सिर्फ सेल ही मिल रही हैं या टिश्यू मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गन मिल रहे हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं। आप बताइए हमारी बॉडी में क्या मिलता है, इसमें से हमारा लेवल कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन है, टिश्यू है या सेल है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन हाँ हाँ हमारी बॉडी में कौन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ तक लेवल हमारी बॉडी में देखने को मिल जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तरह तरह की सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल भी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनल है, ठीक है ना, क्या क्या फंक्शन करती है, ठीक है, ये सब हम, ये सब चीजों को देखते हुए ये क्लासिफिकेशन किया गया था, इन सब फीचर्स को ध्यान रखते हुए। और ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो क्या क्या आता है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है इसमें मोनेरा, और ये ना आपको इसी सीक्वेंस में याद रखें जिस सीक्वेंस में मैं सुना रहा हूँ, लाइक मोनेरा एंड आफ्टर दैट प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई एंड देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। अच्छा बच्चों, अब सुनो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं बात यहाँ पे बता रहा हूँ, एनिमेलिया और एनिमल बात एक ही है, प्लांटी और प्लांट ये भी बात एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां तक जो बताया है समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मीन्स टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर एंड फाइव, ये किस किस साइंटिस्ट ने दिए वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, कब दिया था, 1758 में, ये बातें भी ना आपको याद रखनी है। अच्छा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, और ये दिया था 1866 में। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, सभी दिख रहा है सब कुछ, यस सर, ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपेलैंड ने, ये मैंने बताया था, और 1956 में दिया था। सबसे ज्यादा वैलिड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसने दिया था, ये दिया था आर एच विटकर ने, और आर एच विटकर ने कब दिया, 1969 में दिया था ये, ठीक है, सबसे ज्यादा वैलिड है, और अभी तक भी इसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। हालांकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अब क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा वैलिड है तो इसको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब इसका कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, ठीक है ना, इसका हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू, ठीक है। इसके बाद अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, ठीक है ना, प्लांट आता है, एनिमल आता है, तो एक एक करके इनको हम जानते हैं कि मोनेरा, देखो सबसे पहले आता है मोनेरा, और मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। डू यू ऑल नो अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, हेलो, हाँ जी, तो देखो प्रोकैरियोटिक, अगर अगर किसी को नहीं बताया मीनिंग तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, कैरियो जहां भी वर्ड आ जाए, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो इनका न्यूक्लियस पुराने टाइप का है, वो न्यूक्लियस ही नहीं है, वो न्यूक्लियोइड होता है,
ठीक है ना, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियस जैसा, पर वो न्यूक्लियस नहीं है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके पास क्या नहीं मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ये बात आपने बता देनी है अगर कोई भी आपसे पूछे, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते। अच्छा मौर्यना में सभी जीव कैसे आएंगे, प्रोकैरियोटिक आएंगे। अच्छा और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें दो ही तरह के हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आर की बैक्टीरिया और एक पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। सुने देखो भाई, आर की मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराने। आर की मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है ना। अच्छा ये वो बैक्टीरिया हैं जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन पे मिलते हैं। पुरानी जो अर्थ थी वो बहुत ही अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस वाली थी, वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो आज वाले नहीं है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता था, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ पहले एक आग का गोला थी, ठीक है। अब उस कंडीशन पर जो बैक्टीरिया मिल रहे हैं उनको हम आर की बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए मैं सिर्फ ओवरव्यू करा रहा हूँ आपको, इसके बारे में डिटेलिंग्स हम बाद में जानेंगे, ठीक है ना। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ हम ओवरव्यू लेंगे कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, सिक्स किंगडम क्या, मतलब सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ये एकदम असली बैक्टीरिया है। अरे याद रखना, बैक्टीरिया जितने भी हैं इस अर्थ पे वो सब मोनेरा किंगडम में आएंगे, इसके अलावा और किसी किंगडम में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम आगे जानते हैं, ठीक है ना। मोनेरा आर की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा किंगडम में सभी कैसे जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में सभी एक तो यूनिसेलुलर रहेंगे और सभी यूकैरियोट्स रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा और मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको ये सभी किंगडम सीक्वेंस में याद करने हैं। सीक्वेंस में क्यों याद करने हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि सबसे पहले मोनेरा किंगडम आया, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा किंगडम आया है, और आगे जो भी मैं बताऊंगा वो उसी के बाद आए हैं बाय द टाइम, ठीक है ना, मतलब टाइम के साथ साथ वो आए हैं बाद में, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है इसके बाद सुनिए अब यहाँ से। तो मोनेरा पढ़ा दिया, ठीक है, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक थे और प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है, या फिर उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मिलती है, आपकी मर्जी कैसे भी आप बोल सकते हो। और ये सभी क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है, यू मीन्स ट्रू, अभी बताया मैंने यू मीन्स ट्रू, ठीक है ना, यू मीन्स ट्रू होता है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो एकदम ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस हम उसी को बोलते हैं जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती हो, जिसके पास क्या मिलती हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती हो। मीन्स यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा यहां से एक और बात याद रखना, मैंने जैसे अभी बताया कि मोनेरा के बाद ही प्रोटिस्ट आए हैं, तो आपको बता देना है इसका मतलब यही हुआ कि प्रोकैरियोट्स में से ही यूकैरियोट्स आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली सेल जो अर्थ पे आई है वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बनी है, ठीक है। ऐसी भी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो इनके बाद ही आए हैं और इसी सीक्वेंस में आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन्हें। एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आप पढ़ोगे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मीन्स ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना बच्चों, क्लोरोफिल। तो इनके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा, ऐसे प्रोटिस्टा जिनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंज्यूमर। कंज्यूमर देखिए बच्चों,
फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है वो सभी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। वो सभी कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन खुद से डेवलप करते हैं, और कंज्यूमर अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटिस्टा भी पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को अभी होल्ड करें, मैं जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा, एनिमल के बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब जब मैं यहाँ पे ओवरव्यू में आपको एनिमल के बारे में बताऊंगा तभी मैं आपको प्रोटोजोआ भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद लेकिन याद रखने के फीचर क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम आता है आपका फंजाई। फंजाई में सभी ऑर्गेनिजम्स आपके यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक होते हैं। देखो बच्चों, यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है ना, यूकैरियोटिक तो समझते हो सभी, अभी बताया मैंने। हेटरोट्रॉफिक कैसे होंगे? जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करेंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन। अच्छा, लेकिन प्रोटिस्टा हमने दोनों ही तरह के जीव अभी अभी पढ़े थे, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी पढ़े और हेटरोट्रॉफिक भी पढ़े, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। अच्छा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फंजाई, लेकिन फंजाई में सभी कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक है, सभी के सभी कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांटी। प्लांट्स सभी नॉन मोबाइल हैं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो अपनी पोजीशन को बदल सके, मतलब कि आज अगर वो एरिया वन में है तो यहां से उठ के कहीं और चला जाएगा, मीन्स अगर आज फरीदाबाद में है तो यहां से उठ के दिल्ली चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, खुद से नहीं जा पाएगा। नॉन मोबाइल मोबाइल चीजें हम उन्हीं को बोलेंगे जिसकी पोजीशन चेंज हो सके, उसको हम मोबाइल बोलेंगे, ठीक है ना, और जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती उसको हम नॉन मोबाइल बोलेंगे, ये इतना आसान है। और ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा पिगमेंट होना जरूरी है, अभी बताया था मैंने, क्लोरोफिल, यस, क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो सभी प्लांट्स के पास क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद अच्छा, प्लांट्स में थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट्स में हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों, एल्गी पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले प्लांट में कौन सा प्लांट आया था? एल्गी आया था, ये भी याद रखना, सबसे पहले कौन सा प्लांट आया था? एल्गी। उसके बाद आया था ब्रायोफाइट, ठीक है ना, ब्रायोफाइट। अच्छा, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, जब ये आ गया है तो ये सभी प्लांट कैसे थे? एक्वेटिक थे, एल्गी सभी एक्वेटिक होती है, मतलब पानी में मिलती है। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबिया बोलते हैं, एम्फीबिया, एम्फी जहां भी वर्ड आ जाए बायोलॉजी में उसका मतलब होता है बोथ, एम्फी मीन्स होता है बोथ, ठीक है ना, मतलब ये दोनों ही जगह पे मिल सकते हैं ब्रायोफाइट, आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी और टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी, दोनों एनवायरनमेंट में क्या मिल सकते हैं? आपके ब्रायोफाइट मिल सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है टेरिडोफाइट, मतलब सबसे पहले एल्गी आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया, एंड देन जिम्नोस्पर्म्स आए, और फिर आए एंजियोस्पर्म। देखो भाई, याद रखना, अब बायोलॉजी में ना आप वर्ड्स पढ़ोगे जैसे कि लोअर प्लांट और हायर प्लांट, तो टेरिडोफाइट तक सभी कैसे प्लांट है? लोअर प्लांट, ठीक है ना, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है? हायर प्लांट। लोअर हायर का सीन क्या है? लोअर वो जीव होते हैं जो जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, मतलब सिंपल बॉडी होती है और बहुत ज्यादा फीचर्स इनके अंदर दिखने को नहीं मिलते हैं, समझ गए, और हायर वो होते हैं जो एडवांस प्लांट होते हैं लेटेस्ट एकदम, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एनिमल पे, और एनिमल को हम मेटाजोआ बोलते हैं। अब हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, मेटाजोआ यहाँ लिख रहा है और प्रोटोजोआ यहाँ लिख रहा है, ठीक है बच्चों। देखो, जोआ जो वर्ड है, जोआ मीन्स होता है एनिमल, ठीक है, जो एकदम एडवांस, मेटा जहां भी वर्ड आ जाए, मेटा मीन्स होता है बाद में, ठीक है ना, बाद में, मेटा का मतलब आप समझ लेना बाद में, और प्रोटो का मतलब समझ लेना पहले, प्रोटो का मतलब पहले, तो पहले एनिमल जो आए थे वो थे आपके प्रोटोजोआ, ऐसा बोला जाता है, और जो बाद में एनिमल आए, जो एडवांस एनिमल है, उनको हम पढ़ते हैं इस एनिमल किंगडम के अंदर में, ये हो गया आपके मेटाजोआ, समझ गए बच्चों, प्रोटोजोआ मेटाजोआ समझ में आ गया।
जो जून वर्ड्स ना, जून मतलब भी तो एनिमल ही होता है, जो मैंने आपको जूलॉजी बताया था। ठीक है बच्चों, ये सब क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले। सर मेटाबॉलिज्म में मेटा का मतलब क्या होता है? वो अलग चीज है, वो मेटाबॉलिज्म जो है उसमें आप मेटा को अलग नहीं करोगे, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी बॉडी के अंदर मिल रही है, समझ गए? इसको आप यहां से रेड नहीं करेंगे, क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलो इसके बाद अब देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि हमने अभी थोड़ा सा छोड़ा था, ठीक है। अभी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? ये दिया था कार्ल वूज ने, ठीक है ना, कार्ल वूज ने। कब दिया था? 1990 में दिया था, ये बात आपने याद रखनी है। देखो भाई, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस है? ये बेस है आरआरएनए की जीन के ऊपर। देखो बच्चों, अभी आप डिटेल में ना जाएं, सिर्फ इतना समझ लो आरएनए के टाइप कितने होते हैं। आप अभी सिर्फ 10th पास करके आओ, आरएनए के तीन टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है ना। देखो भाई, आरएनए के भी ना सीक्वेंस होते हैं, जैसे डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं ATGC, आप कुछ भी लिख सकते हो, CTAG, रैंडम कुछ भी लिख सकते हो, सबका यूनिक होता है, ठीक है ना। अच्छा, ए बाइंड करता है टी से, टी बाइंड करता है ए से, जी बाइंड करता है सी से, सी बाइंड करता है जी से, क्लियर है? अच्छा, ये सब डीएनए के सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसीलिए। और आरएनए के अंदर टी की जगह ना यू होता है, आरएनए के अंदर टी की जगह यू होता है, जैसे कि AUGC AUGC, तो ये हो गया आरएनए का सीक्वेंस, ठीक है ना। अब एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। फ्यूचर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखा ना, इनका सीक्वेंस अलग अलग होने की वजह से अलग अलग तरह के जीव बता दिए उन्होंने। तो कौन कौन से जीव बताए? देखो बच्चों, एक तो बताया उन्होंने सबसे पहले आर की बैक्टीरिया, ठीक है ना, फिर बताया उन्होंने यू बैक्टीरिया। अच्छा, क्या ये दोनों मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाए थे मोनेरा के अंदर? बस उसने मोनेरा किंगडम को ही अलग अलग बांट दिया है, उसने बस मोनेरा किंगडम को ही डिवाइड कर दिया है। किसने? कार्ल वूज ने, ठीक है। बाकी सब किंगडम सेम है, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है ना, बाकी सब। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग्स क्लोज कर देता हूं।